वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय स्त्री के शोषण से उद्वेलित और उसके आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा में सभी लोग आज यह मानकर चल रहे हैं कि भारतीय स्त्री के चारों ओर यदि कानून का ऊंचा घेरा डाल दिया जाए तो वह बहुत कुछ सीमा तक शोषण से मुक्त तथा सुरक्षित हो जाएगी। यकीनन कानून की सत्ता के प्रति इनकी गहरी आस्था यह संकेत देती है कि अनेक कानूनी अधिकारों से वंचित होने के कारण ही भारतीय स्त्री उत्पीड़ित और शोषित है। इनके पास उनकी बहुत सी समस्याओं का सीधा साधा समाधान है। कानून के रामबाड़ों का निर्माण, इन रामबाड़ों के हाथ में आते ही भारतीय स्त्री सबल और सक्षम हो जाएगी। कानून की शक्ति के प्रति इनका विश्वास इस तथ्य के बावजूद भी है कि अब तक जितने कानून बने हैं यथार्थ और व्यवहार के धरातल पर आम तौर से काठ की तलवार ही साबित हुए हैं। काठ की तलवार तभी तक भयभीत कर सकती है जब तक उसे दूर से चमकाया जाता है या उसे आजमाया नहीं जाता। इसके भरोसे जो स्त्री संघर्ष में विजयी होने का स्वप्न देखती है उसे यह स्वप्न बहुत महंगा पड़ता है। कानून की पुस्तकों में बताए अधिकारों को जीवन के यथार्थ में उतारने के साधन सामान्य भारतीय स्त्री के पास नहीं हैं। जो मुट्ठी खाली है कानून भी उस मुट्ठी के बाहर रहता है। इसके साथ समय और शिक्षा का अभाव और जुड़ जाता है। भारतीय स्त्री की लाचारी मूलतः साधनों की लाचारी है, इसलिए उसके पक्ष में बनाए गए कानून भी उसके जीवन को नई दिशा देने में तब तक असफल ही रहेंगे जब तक भारतीय स्त्री साधन संपन्न नहीं हो जाती। शोषण के कई मामले ऐसे भी हैं जिनसे भिड़ने का रास्ता कानून के पास भी नहीं है। अविवाहित स्त्री का परिवार द्वारा सम्मिलित शोषण इस प्रकार के शोषण का सबसे अप्रिय उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें शोषण पुरुष समुदाय के साथ साथ स्त्री का योगदान लगभग बराबर का ही होता है। आज़ादी के बाद के दशकों की तुलना हम आज करें तो एक नए समाज का रूप उभर कर सामने आता है। शहरी निम्न मध्यम वर्ग और कुछ सीमा तक मध्यम वर्ग में भी शिक्षित अविवाहित स्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ती
जा रही है, किंतु इस वर्ग में अविवाहित स्त्रियों की बढ़ती संख्या को नारी मुक्ति के साथ जोड़ना सरासर गलत होगा। यह नारी मुक्ति का नहीं, उस पर हो रहे एक नए प्रकार के शोषण का प्रमाण है। आज इस वर्ग के माता पिता का अपनी कमाऊ बेटी के पीले हाथ करने के प्रति उत्साह घटता जा रहा है। वे उसे हर तरह से अविवाहित रहने को प्रेरित करते हैं। जहां प्रेरणा पर्याप्त नहीं होती, वहां युक्तियां भिड़ाकर उसे अविवाहित रखा जाता है। हालांकि बहुत सी लड़कियों ने खुद अविवाहित रहना एक जीवन शैली के रूप में चुना है और अपने रहने के लिए एक अलग ठिकाना भी बनाती हैं। स्टॉप।